कक्षा 10 एक्सरसाइज 14.1 अब हम इसका 18वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। 90 डिस्क हैं, गोल होंगी या जैसी भी, और उन पर 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। अब हमें देखना यह है कि पहले तो हम प्रायिकता बाद में निकालेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि 1 से लेकर 90 तक 2 अंकों की कितनी संख्या है। अब इनको गिनने नहीं बैठना है, हमें पता है सारी 10 से आगे वाली सारी ही संख्याएं 90 तक 2 अंकों वाली हैं, सिर्फ 1 से लेकर 9 तक, ये 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 अंक वाली हैं। एक अंक वाली है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 अंक वाली हैं। तो हम क्या करते हैं, कुल संख्याएं हैं 90, उसमें से ये 9 माइनस कर देते हैं, बाकी संख्याएं कितनी आ गई, 81। इसका मतलब 1 से लेकर 90 तक 81 संख्याएं हैं जो 2 डिजिट की हैं, 2 अंकों वाली हैं। तो हमें इनकी प्रायिकता निकालनी है, कुल संख्याएं कितनी है 90, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 81। क्यों है, क्योंकि हमें 2 अंकों वाली संख्याएं चाहिए और 1 से 90 तक 2 अंकों वाली 81 संख्याएं होती है, तो ये हो गया 81। अब इसको 9 के बारे में काट दो, 9 ना 81, 9 का 90, इसका मतलब 2 अंकों की संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 9/10। आइए अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग है एक पूर्ण वर्ग संख्या, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। देखिए, 1 × 1 होता है 1, 2 × 2 होता है 4, 3 × 3 होता है 9, तो ये पूर्ण वर्ग है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, लेकिन वो 90 से बड़ा है। हमारी डिस्क कहाँ तक की है, 90 तक की। हमारी डिस्क कहाँ तक की है, 90 तक की। इसका मतलब 1 से लेकर 90 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, कितने पूर्ण वर्ग है, 9, इनको लिख लेते हैं हम, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 37, 40, 50, 54, 56। तो इसका मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं, ये 9 है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता निकाल देते हैं कि 1 से लेकर 90 तक में पूर्ण वर्गों के निकलने की प्रायिकता कितनी होगी। कुल चांसेस, सॉरी कुल है 90 और संख्याएं हैं 9, इसको काट देते हैं 9 × 9, 90, तो 1/10। इसका मतलब एक पूर्ण वर्ग के आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/10। अब इसका तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा भाग है 5 से विभाज्य एक संख्या, ध्यान से देखें तो 1 से 90 तक 5 से विभाज्य संख्या होंगी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 85, 90, और यदि हम इनको गिनेंगे तो ये कुल 18 संख्याएं होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है, कुल संख्याएं हैं 1 से 90 तक 90 और 5 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं 18। इनको यदि हम काटें 18 × 18, 18 × 90, तो ये आ गया 1/5। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में जिन जिन चीजों की प्रायिकता हमें निकालने को कही गई थी वो हमने निकाल दी है।